ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य। प्रायतः 70% लोक जीवन जीवा पाई चाष उपर निर्भर करिथांती। राज्यर विभिन्न फसल मध्ये मुग और बिरी एक मुख्य फसल अटे। एहा डाली जातीय फसल अंतर्भुक्त। डाली फसल रे श्वेत सार, पुष्टि सार, चर्बी सार इत्यादि खाद्य रही थाए। ओडिशा रे मुख्यतः धान को बेसी प्राधान्य दिया जाउथिबा बेले धान अमल परे चासी भाई माने मुग बिरी फसल चाष करिथांती। किंतु मुग बिरी गछरु मंजी अमल एक कष्टसाध्य कार्य। साधारणतः चासी भाई माने हातरे बाड़ेबा गोड़े मकची दिन को 20-23 किलो डाली अमल करिथाए। एही काम को सहज और कम खर्च रे करिबा पई विकसित होईछि एक डाली अमल यंत्र। एहा को चासी भाई माने व्यवहार करी घंटा को 2-2.5 क्विंटल डाली अमल करि परिबे। चासी भाई माने एही यंत्र संबंध रे जानिबा को हेले निकटस्थ कृषि अधिकारी को सह जोगाजोग करंतु। वर्तमान परिप्रेक्षी रे ओडिसा रे हमरो विद्युत चालित मुग अमल यंत्र टी बेश आदृत होई पारछि। यार गठन को आमे जदि दृष्टि को नबा एथिरे गोटे प्रवेश पथ थाए जहाँ को आमे इंग्लीश रे फीडिंग चूट को कहू एवं एथिरे गोटे घूर्णायमान सिलिंडर थाए एवं गोटे अबतल मध्य थाए। एथिरे आमे गोटे वैद्युतिक मोटर एक अश्वशक्ति विशिष्ट वैद्युतिक मोटर एथिरे आमे लगा जाइछे। एथिरे आमे जेतेबेले फसल को नहीं प्रवेश द्वार रे याको भर्ती करा जाए सेतेबेले मुग फसल टी सिलिंडर संस्पर्श रे आसी भांगी टिक टिक हो जाय थाए एवं सेथिरु शस्य अलग अलग होई आमर तळे थिबा लुहा जाली रे अलग आउटलेट ट्रे रे आमे आकु संग्रह करथाउ एवं एथिरे जो अवशिष्टांश अनावश्यक अवशिष्टांश थाए आकु ब्लोअर एवं आस्पिरेटर गोटे सेथिरे लागि थाए सेटा ताकु पृथक करिकिरी अलग जागा रे पकाइ दे थाए। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଇପାରିବେ ଯେପରିକି ଆମର ନିର୍ମାତା ମାନେ ଏହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ବିତରକ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଠୁ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ।